कांग्रेस से विधायक जगबीर मलिक वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सतपाल ब्रह्मचारी पहुंच रहे हैं। मलिक साहब बड़ी गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर दी है उसको। बहुत बढ़िया लोकसभा के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत भाई। ये जो सोशल इंजीनियरिंग से तो आने की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा में मुझे हाई कमान और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा और हमारे यहाँ के विधायक जगबीर मलिक जी, सफीदों के विधायक सुभाष जेसवाल जी, बड़ौदा के विधायक हमारे भाई भाभी जी, सभी पांचों विधायकों ने मेरे लिए कहा, श्री हुड्डा साहब को, उदय भान जी को और हाई कमान को कहने के बाद मुझे टिकट मिला। मैं सभी विधायकों का, चौधरी जगबीर जी का और अन्य जितने भी विधायक है कांग्रेस का, सबका सतपाल जी, सतपाल जी, जब तक आज 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 जो है बीजेपी की यहाँ पे रैली, विजय संकल्प रैली आज हम कोई आज जल्दी मलिक साहब के साथ आए। थोड़ा पीछे हो जाए, व्यवस्था बनाए, अभी से बैठो, पहले से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, व्यवस्था बनाए, धक्का मुक्की ना करें। हमारे रिक्वेस्ट करने आएंगे, ये दो बात अपनी कहेंगे, फिर मैं आपके बीच में रहूंगा। पहले इनकी बात सुन रहे थे, जो आना है बहुत सकती। मैंने कहा था भाई शहर के आप इकट्ठे हुए हैं, आप 2 मिनट अपनी रिक्वेस्ट कर। सम्मानित कई बार के विधायक, कांग्रेस के कर्मठ नेता, हमारे सबके आदरणीय चौधरी जगबीर सिंह जी विधायक और हमारे सफेदों विधानसभा के एमएलए भाई सुभाष जी देशवाल, सभी समस्त गोहाना क्षेत्र के मेरे सम्मानित नागरिकों, मतदाताओं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आज केवल मंदिर में जाने का प्रोग्राम है, गांगुली हमारी जो सिद्ध गति है वहाँ मत्था टेकना है, लेकिन चौधरी साहब ने कहा कि गोहाना में रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए गोहाना का जो प्रोग्राम लगेगा, कल लगो परसों लगो, उसमें विशाल विशाल जनसंख्या के रूप में सभी पांचों विधायकों को साथ लेकर के पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, और लोकसभा क्षेत्र में जाने के पश्चात गोहाना जहाँ का भी जो टाइम लगेगा उस टाइम के अनुसार प्रोग्राम बनेगा। मैं पुनः श्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और यहाँ से जो हमारे
रोहतक से जो करनाल से जो साथी के 500 बुद्धि राजा चुनाव लड़ेंगे उनके लिए मंगल कामना करता हूँ और आप ऐसे नौजवान के लिए प्रार्थना करता हूँ ऐसा युवा को जिताने का काम करेंगे। और मैं आज आपके बीच में आया हूँ, आपका धन्यवाद करने आया हूँ, आपको प्रणाम करने आया हूँ। मुझे गद्दी पर जाना है और मैं उनके भाई यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई यहाँ पर उपस्थित है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है भाई। सोनीपत लोकसभा से दो दो उम्मीदवार सरकार ने दी, वो हमारी कांग्रेस ने दिए हैं। सुभाषी बड़े टिकट जो बांटी है बड़े कारनामे दिखा दिए कांग्रेस पार्टी ने, जो भी सबसे चिंता उम्मीदवार थे उनको टिकट देकर जनता के बीच में भेजने का काम किया है। और उसी कड़ी में सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से हमारे 70 को भेजा है और हमारे खंडार से भेजा है। इसी प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो मिलकर इतने अच्छे उम्मीदवार भेजे हैं, तो मैं तो जनता से निवेदन करता हूँ तो इनको भारी समर्थन देकर इनको विजय बनाए। आपकी तो डबल जिम्मेवारी होगी, जब कोई जिम्मेवारी पड़ती है तो डबल को भी निभाएंगे, ट्रिपल आई तो उसको भी निभाएंगे। आज जैसे साथियों का सहयोग, छोटी सी बात मैं बता दो, ये दो दो ब्राह्मण आए सोनीपत लोकसभा सीट पे और सब हरी मैं जाति पाति की बात नहीं करता। सतपाल परमकाल जी सिद्धासी आदमी और वो सात मास में लोग हमारे बहुत ही अच्छे संपत क्या की तपस्वी उम्मीदवार है। और जनता से निवेदन करता हूँ तो ये गंगा भैया ने इनको भेजा है और इनको अपना आशीर्वाद दे, इनको दिया गया आशीर्वाद गंगा भैया को आशीर्वाद। दिव्यांशु ने टिकट देगा ये जमा युवा को देना सतपाल और मैं समझी है। सतपाल जी को टिकट मिली है कितने लोग? देखो एक सन्यासी आदमी और एक वो उनका सब तो पता चल गया क्या है क्या नहीं है, तो राजी तो नेचुरल है। एक दबाजी तो होगी दस की दस में से आज सन्यासी का अष्टमुखी। एक आदमी मेरे को कहने लग गया भाई काम के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। अरे कम से कम उनके वेश्याग्रह की तरह तो नहीं जाना पड़ेगा? अरे अच्छी है तो जगह जाएंगे हरिद्वार में, बढ़िया जगह तो जाएंगे, उनकी तरह तो नहीं जाएंगे वेश्याग्रहों में, मानते हो ना इस बात ने? खुश हो पूरे सतीश पूरा हम नहीं पूरा हल्का पूरा लोकसभा और दिव्यांशु को भी हरीश को भी दोनों को। दिव्यांशु बेचारे एक नया लड़का, इतनी राहुल गांधी ने एक एहसान किया है एक युवा लड़के के ऊपर ऐसा जता के विश्वास, हम तो ये कहते हैं दोनों बने सारे बनेंगे भगवान की दास है। साथ की हमारी है प्लान, साथ तो अभी जीत रहे हैं। ठीक है जी अरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। आप देख सकते हैं अचानक से कार्यक्रम हुआ है, अचानक से अभी सबसे पहले जो है गांगोली जाना है, दो काम है वहाँ पे, गद्दी है वहाँ पे, जब राम टेकना है और उसके बाद आगे का सफर तय होगा। तो तमाम सतपाल ब्रह्मचारी जो की कांग्रेस के सोनीपत लोकसभा से उम्मीदवार बने हैं वो पहुंचे हैं गोहाना में और यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था दिव्यांशु बुद्धि राजा का और उसके बाद सतपाल ब्रह्मचारी भी यहाँ पहुंचे हैं और तमाम हर वर्ग में हरी खुशी है। मैं यही आराम से कोई नहीं कोई नहीं कोई क्यों बचाओ गांव में हम न्यू राज्य हो रहे जी। सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिल रही है, न्यू राज्य हो रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है जी। सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिल रही है जी।